नमो अहंकार नमो सिद्धार्म नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब सारूढ़ शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदर्श सिद्ध्यर्थम संदर्श्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोक्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जेतु शासनम। आत्मा का स्वभाव रंग पजई न बंधई, न कभी बंद होता है और न कभी मुक्त होता है, न उत्पाद होता है न व्यय होता है। लेकिन संसारी जीव को देखो, परिणतियों का खेल क्या है कि संसारी जीव को प्रति समय पुराने कर्म का उदय और नवीन कर्म का बंद होता है। महाभाग्य तो है, लेकिन हम इस भाग्य को अपने दुर्भावों से दुर्भाग्य में न बदल ले। जो लो नरोग जरा गहे तो लो झटित निजी हित करो। भाग्य तो है, परंतु बोलो भाई क्या कहना है। ध्रुव नहीं है, भाग्य तो है, महाभाग्य है जो हमें जिन धर्म मिला है, जिन वाणी मिली है, समझने के लिए बुद्धि मिली है, समय मिला है, अब सब प्रकार से अवसर आया है। केवल अपनी कमी है और कुछ कमी नहीं, बाद बाकी और क्या चाहिए तुम। जयसेन स्वामी ने तो ऐसा लिखा, अरे चौथी काल में भी भगवान कोई उंगली पकड़ कर भी थोड़ी तुम्हें सिखा देंगे, तुम्हें घोंट के थोड़ी पिला देंगे। पुराने अध्यापकों की भाषा में कहें तो चौथी काल में भी भगवान दिव्य धुनी से कह करके चले आते। समझना तो जीव को स्वयं के पुरुषार्थ से ही पड़ेगा। भाग्य है, महाभाग्य है, चक्रवर्ती से बड़ा भाग्य है हमारा, ये समझो। जिन धर्म विनिर्मुक्त महाभव चक्रवर्ती की शास्त्रीय रूप रूपी जिन धर्मानुवास्य है, जो हमें थोड़ी सी धर्म वासना अंतर में है सुहा रहा है, नहीं तो सुहाता नहीं है। मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, कुसंग अच्छा लगता है, सत्संग सुहाता नहीं, सुहाता नहीं। ऐसी जीवों को सत्संग मिलेगा भी नहीं, क्यों? सत्संग कोई महापुण्य के उदय से मिलता है और थोड़े समय के लिए मिलता है, अध्रुव है ये। महापुण्य का उदय है, परंतु उदय अध्रुव है, उदय भिन्न है, उदय आश्रय करने योग्य नहीं है। उदय उदय में है, तुम्हारी स्वभाव में नहीं है। पुण्य का उदय भी पुण्य के परिणाम के बिना क्या कार्यकारी होगा? पुण्य का उदय तो बहुतों को होता है। एक आलीशान कोठियां बनी है, एक गाड़ी जिस दरवाजे पर खड़ी है उस पर खड़ी है, पुण्य का उदय। सेठ जी सेठ जी, अरे भीड़ मची है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, उदय तो उनका भी पुण्य का उदय। क्या तुम्हारे पुण्य का उदय?
पद्मनंदी स्वामी ने कहा, जिनकी वाणी में सत्य था, हृदय में दया थी, बुद्धि में ग्रंथ थे, जिन्होंने जो बोला वही ग्रंथ हो गए, मंत्र हो गए, आपकी वाणी का चमत्कार जगत को कई बार मिल चुका, आपके द्वारा बोले गए वाक्य ही मंत्र हो गए। रूप को देखने के लिए स्वर्ग से आते थे, ये सब बातें थीं, लेकिन फिर भी मद नहीं था, अभिमान नहीं था। तुम्हारे क्या है जो तुम मान करते हो? मान करण को कौन ठिकाना, कहाँ है आप? तो कोई बात नहीं है, मान इसलिए है कि भेद ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान हो तो मान नहीं होगा। प्रकाश अंधकार इसलिए है, सोने का फर्श हो रत्नों का फर्श हो इससे क्या मतलब है? अंधकार इसलिए है कि प्रकाश नहीं है, हमारे अंदर में भी भेद ज्ञान का प्रकाश नहीं। ज्ञान भान का उदय करो मम मिथ्या तुम का वो इतना, जब ज्ञान भान का उदय होगा तब मिथ्यात्व का नाश होगा, तब जीवों की करुणा आएगी, तब सत्य वचन होंगे, तब अचौर्य होगा, तब ब्रह्मचर्य होगा, तब अपरिग्रह होगा, संतोष होगा। पूरी स्तुति पढ़ लो, लेकिन भाषता ही नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं लग। ये भट्टजड़ कुछ कह रहे हैं कि कछु नहीं कह रहे? अरे पतझड़ की बात कर रहे हो। एक मंदिर से हम बाहर निकल रहे थे, एक लड़का भीतर से, वो हम बाहर से जा रहे थे और लड़का बाहर निकल रहा था, अचानक भाव आ गया। हमने पूछा, बेटा कब मंदिर दर्शन करया है? कि हाओ हमने भगवान कछ कह रहे थे, क्या कछ नहीं, ये कछु नहीं, ऐसे तो कोई मेलू में से नहीं आ, वहां कछु नहीं है, तुम क्या कह रहे? क्या वाणी से ही कहा जाता है? मौन की भाषा को सुनना नहीं आता तुम्हें? भगवान कुछ कह रहे हैं, अपनी ओर देखो, कर्तव्य छोड़ो, परिग्रह में सुख नहीं है, भटकने में सुख नहीं है, कहाँ जाओगे? लोकाकाश का द्रव्य लोकाकाश से बाहर तो जाने से रहा, और लोकाकाश में छह द्रव्य सब जगह है, और सब जगह कर्म है, सब जगह उदय है, सब क्या करोगे? मन को भटका भले लो, ज्यादा दुखी होना हो तो भटको, और भटकोगे बुद्धि कर्मानुसार नहीं, बुद्धि भवितव्य अनुसार नहीं। खोटी होना है तो बुद्धि खोटी हो जाएगी, जय बिजली दारुण दुख देई, ताकि मत पहले ही हर ली, धन पहले ही हर ली नहीं लिखा। क्यों? निर्धन का दुखी होना कोई नियामक नहीं है, नियामक नहीं, नियम नहीं है कि निर्धन दुखी होगा, ना कोई जरूरी नहीं। लेकिन कुबुद्धि वाला जीव जरूर दुखी होगा, नियम है, नियामक है ये। जिसकी बुद्धि बाहर है, बहिर्मुखी है उपयोग, वह दुखी होगा ही होगा, दुखी कौन होगा? ये संयोग, ये महाभाग्य, चक्रवर्ती जिस पर्याय मनुष्य पर्याय के लिए तरसता है वह पर्याय पाकर के भी कहां भटक रहे? कछुरे सोच रहे हैं, न घूमे आए, कहां घूमे आओगे? उसके बाद वही विश्व विजय कर लेंगे, उसके बाद क्या फिर आराम से रहेंगे? कितनी जगह में पता ही नहीं, हो सही नहीं है, ऐसा लगता है सारे विश्व में व्यापक हो जाएंगे, पसर जाएंगे। ये सोच रहा है कहूं हूं मैं आए थोड़े दिन के लिए, अरे थोड़े दिन के लिए बड़े पूरी हो गई तो
तुम्हारे हाथ में है, कुछ नहीं कुछ नहीं। झूठी करनी आचरे झूठे सुख की आस, झूठी भगत ये डरे झूठे प्रभु को दास। जो जो सिखाले सो भक्ति हो गई, एक भगवान हमारे हो गए, एक तुम्हारे हो गए, एक वेदी हमारी हो गई, एक तुम्हारी हो गई, बस यही करते हैं ना। खूब धर्म आएगा, जबकि धर्म का प्रारंभ नहीं होगा मिथ्या के नाश के बिना। उदय है, हम जीव नहीं मानते, महान पुण्य का उदय है, लेकिन इस बात को भी मत भूल जाओ, एक पुण्य का उदय अध्रुव है, विनाशी है, असरण है। असरण का मतलब क्या है? ये पुण्य तुम्हें दुख के उदय से नहीं बचाएगा, दुख से नहीं बचा सके। हमारा 100 आदमियों का परिवार है, अरे होगा ऐसे क्या होगा, कौन बांटेगा, वो कौन बांट सकेगा? विनाशी है, अध्रुव है, भिन्न है। कर्म फल को भोगना हमारी मजबूरी नहीं है, अज्ञानता है। हम अपने अतीन्द्रिय आनंद को नहीं भोगते और कर्म फल को भोगते हैं, क्या करें? हमारे पाप को दे, हमारे पाप को दे, हमारे उसमें एकत्व बुद्धि कर बैठे, अनिश्चय बुद्धि कर बैठे, और सो भी तुम्हें पता नहीं है पाप का उदय किसको कहते हैं, सो भी पता नहीं है। जब तक भगवान की दर्शन मिल रही, जिनवाणी मिल रही, पाप का उदय आ कहां से गया, कहां से आ गया? क्या लिखा है इस तत्वज्ञान तरंगिणी में? न जाने कर्म बढ़ना कहां चली आती है, पता ही नहीं। और तुम्हें पता पड़ गया पाप का उदय, इसका मतलब है तुम्हारा उपयोग चिद रूप की ओर नहीं है। एक बाबा जी पेड़ के नीचे बैठे, एक नायिका अपने पति से मिलने के लिए आ रही है, मान लो जल्दी में चली आ रही, सोच होती लग गई उनकी। जब वो लौट के आई तो कह रहे, बोले काए कैसे जा रो रहा तू, ऐसे चल रहा तू, कछु मर्यादा है कि नहीं है तुम्हारी, कछु हमारी मर्यादा है कि नहीं? धोती छुए गई, हाथ छुए गए, उंगलियां छुए गई। अरे भगवान तुम्हें क्या कर रही थी इसे तो बताओ, महाराज गलती हो गई, ठीक है क्षमा कर दे, लेकिन एक बात बताओ महाराज आप कर क्या रहे थे? कि ईश्वर का भजन कर रहे थे हम, तुमने हमारे भजन में अंतराय कर दिया। बोले तुम कैसे ईश्वर को भजन कर रहे थे? हम अपने पति से मिलने जा रहे थे, हमें तो पता नहीं तुम कब छू गए, कब नहीं हुए, क्या हो गए, और तुम्हें सब पतों पर ही हो। तुम्हारा उपयोग किधर है? शरीर का सब पता पड़ जाता है, दाल का नमक पता पड़ जाता है, लेकिन देह से भिन्न आत्मा पता नहीं पड़ता। मानो कि ऐसे लगता है मानो किसी और को और से भिन्न बताता है। एक बार कही थी भैया, बासी भोजन करना अवक्ष स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, तो जी बताओ कर्म के उदय के फल को भोगना तुम्हारा स्वास्थ्य परिणाम खराब नहीं करेगा? हम इधर देख के हंसेंगे तो क्या होएगा, इधर देख के रोएंगे तो क्या होएगा?
इस विषमता के परिणाम का फल नहीं भोगना पड़ेगा। आकुलता किसको होगी? ये अच्छो है ये खराब, ये अच्छो है ये खराब, हम अच्छे और जी बेकार है, ये सोच कहां ले जाएगा हमको? चार गति में भेद ज्ञान के बिना तो रुलते रहे, और भेद ज्ञान के बिना अभी भी रुलने का मन है। श्रावकाचार में लिखा, जब तुझसे दुख सहन नहीं होते तो नरक और तीन इंच के गति के बंद क्यों बांध रहा है? क्यों अपने विपरीत परिणामों से बंद बांध रहा है? कर्म को दोष दे रहा है, हमारी कर्म को दे, हमारी कर्म को दे, हमारी पाप को दे, बस उदय के चक्कर में अपनी भूल को क्यों छिपा रहा है? उदय है, वर्तमान का कोई दोष नहीं, उदय है बस केवल। अरे उदय ने तुम्हें यहां बैठा दिया, अगर तुम्हें उदय होता तो अंधे होते तो फिर क्या हो, बहरे होते तो क्या हो? लुंज होते तो कैसे चल गया है पाते यहां से? हाथों से रहित होते तो कैसे कर पा, कैसे हाथ जोड़ पाते, कैसे सेवा कर पाते? ये भाकु आप तो सोचो, ये भाव सुधारोगे तो भाषा सुधरेगी। हम बोल नहीं पाते, गूंगे नहीं हो, हम बोल नहीं पाते, खूब बोल लेते हो, अभी बुखार आ जाए तो हमें बुखार आएगा क्यों? अब कैसे बोल रही लगी? अरे हित पर दृष्टि हो, अपना तो हो तो पकड़ आती है, ढीली पड़ जाती है। बिल्ली तक की तुम तो बिल्ली नहीं हो, शेरनी नहीं हो, शेरनी और बिल्ली की पकड़ भी ढीली हो जाती है। जहां अपना बच्चा दिखाई देता है वहां फिर कोमल हो जाती है। हमें क्या करना है? तो मैं अपना हित थोड़ी करना है, जीवन पूरा करना है। ये सोच, गंदे सोच हमें आगे नहीं बढ़ने दी। बैलों के जो पट्टी बदी है वह घेरा घुमा रही है और पता नहीं पड़ रही, और नहीं तो कोई की ताकत नहीं है घेरा में घुमाने की, घेरा में ही घूम पाते हैं। ये बैल की पट्टी का चमत्कार समझ लेना चाहिए। देखो मोह की महिमा, देखो अज्ञान की महिमा, ये तो हम क्या ही आए। वेदी के सामने पढ़ रहा है एक बच्चा, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, तो न हम पहुंच गए, हमने देखो रहो तुम्हें, देख कौन रहा है तुमको सम्यक दर्शन? कब फालतू है इतना सस्ता सम्यक दर्शन समझ दिया तुमने? क्या लिखो वो आप नहीं लिखो है? अरे हमने तुम्हारे थोड़े ही लिखो मूर्खन के लिए, अहंकारियन के लिए, कोई पात्र जीव के लिए लिखा होगा? जब सम्यक दर्शन नहीं चाहिए तो सम्यक दर्शन से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। और जरा सी संपदा पाके फूल के कुप्पा हो गए, जरा सो मान प्रतिष्ठा मिले हो फूल के कुप्पा हो गए, जरा सी भीड़ मिल गई फूल के कुप्पा हो गए, भूल गए अपने को। ध्यानराज जी ने लिखा, भूल गए किससे निकले हो, उल्टी लटके थे माता गर्म में, झूठन के लिए ऐसे दिख रहे थे मिल जाए और खा ले, नहीं तो तड़फ रहे थे। भूल गए किससे निकले हो, अरे कहां से निकले हो और काय के लिए निकले हो ये तो बताओ। योग तो नहीं है,
कहने से काम नहीं चलेगा। हे को हे कहना अलग बात है, अजीब तत्व है, ध्यान रखना। हे को हे समझना वह संवर तत्व है। अब कहां अजीब तत्व, कहां संवर तत्व। और तुम कहते हो हे है, झूठी कहते हो। उपाधेय के आश्रय बिना हे कैसे कहते हो। ये रावण देखने लायक नहीं है। किसके बल से कह रही है, राम का रूप बसा हुआ है उसे। तो ज्ञायक भाव उपाधेय है तो ये सब छायक भाव तक समस्त भाव ही है। हे उपाधेय का विवेक हे नहीं है, हे उपाधेय का विकल्प ही है। कहां भटक रहे महाभाग। महाभाग कहते कहते हम कहीं दुर्भाग्य में न बदल लें अपने भाग को। इसके शरीर में आज रूप का ऐसा अभिमान बरसा था, दूसरे क्षण को फूट पड़ा, पता नहीं पड़ा। जिस रानी के अभिमान में हो ऐसा अभिमान, ऐसा सुंदर रूप, और वो कड़वी तोड़ी का आहार दे दिया तो कहा मेरे को कहा होएगा हो? के कोर फूट पड़ा। अब पर उसका फल कितना है। आप कहोगे ऐसी ये तो ड्राइवे के लिए लिखी है। नहीं, एक बात बताओ, बट का बीज कितना होता है, वृक्ष कितना होता है, तुम बता दे। उन्हीं के उदय वाले ऐसे ऐसे शेर साहूकार हुए, लोटा डोर गिरनी रख के व्यापार शुरू किया और करोड़पति अरबपति हो गए। तब के एक खींच के चांटा मारा, भैया तुम्हें तो पतो है हमारी संपदा कितनी, हमें तो जो ही पतो नहीं हमारी संपदा है कितनी, लेकिन सब यहीं की यहीं पड़ी पड़ी। इस शेरोसम का तुम ये सोच रहे हो, बस हम ही हैं। पुरानी भाषा में वैसे ही कह देते, तुम्हारे जैसे तो हमारे यहां पानी भरते हैं। हम बार बार कहते भैया, ग्यारह अंग नौ पूर्व का पाठी क्यों मिथ्या दृष्टि रह गया, नमे गरीबक जाने वाला क्यों सम्मित है दृष्टि रह गया। इस बात को गंभीरता से सोचो। हमारे दुर्भावों से, हमारे विपरीत सोच से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। अगर विश्व में कोई शत्रु हमारा है तो विपरीत विचार, मिथ्यात पोषक विचार, कसाय पोषक विचार। अगर मित्र है तो तत्व विचार, क्यों तत्व विचार होगा तो सम्यक्त का अधिकारी बने। और सम्यक्त जिसे मिल गया उसे क्या नहीं मिला। पतझड़ में पेड़ फूट जैसा दिखाई देता है, सब पत्ते जल गए, लेकिन क्या बिगड़ा पेड़ का। और जिसकी जड़ कट गई है उसका क्या हरा भरा, सब पत्ते हरे भरे दिखाई दे रहे। ये लगता है ये जवानी बनी रहेगी, ये बुद्धि बनी रहेगी हमारी। सुर धन चपला चपलाई, ये शरीर की शक्ति बनी रहेगी नहीं।
बनी रही ऐसी आई। क्या आत्माएं? ऐसी तो जीव रहता है, द्रव्य रहता है, पुद्गल रहता, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। तुम इसे अभिमान करके, एकत्व बुद्धि करके इसको चाहे भले अपना 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 कहते रहो, वो अपना नहीं होगा। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। बस पूजा हो गई। और जे समझ में नहीं आई, असबाब शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोते हैं। निष्कंटक पथ कौन सा है, विष्कंटक क्या बो रहे हैं पता नहीं है। हम थोड़ी बो रहे, जे पीछे वाले बैठे हुए हैं कोई। अरे उस नदी में डूबने वाले में भी कोई नहीं डूबा, और वो भी रोने लगे नदी पार करने के बाद। कोई डूबा था? एक दो तीन चार, हर आदमी नौ गिनता था, दस के स्वयं को भूलता था। ये दृष्टांत वैसे ही है, कोई होंगे मूर्ख। हम तो समझदार हैं। कितने आदमी हैं यहां, बस अपने को अलग करके गिन दे। अपने को अलग करके गिनो। नदी में डूबा कौन था? मैं डूबा। और आज भी मैं भूल स्वयं के वैभव को परममता में अटकाया हूं। कौन निष्कंटक मार्ग है, कैसी हम विष्कंटक हो रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। भ्रम में मत रहो। हमने आपको कहा था, जिस सुख को तुमने सुख मान लिया वह सुख नहीं है, जिस ज्ञान को ज्ञान मान लिया वो ज्ञान नहीं है, जिसे तुमने धर्म मान लिया वो धर्म नहीं है। एक आदमी आया और सीधा बोला, वो महाराज बोलो भाई क्या कह रहे हो भाई, जब मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। वे तो कोई वैसे ही श्रावक होंगे, ज्ञानानंद साहब का चार किताबों के श्वास श्रावक होंगे, जो आत्मज्ञान में लीन मुनीश्वर को देख करके दूर खड़े हो गए। अपने रहने की आहट न हो जाए, नहीं तो मुनिराजों के ध्यान में अंतराय पड़ेगा। तो हम क्या करें? तो करने लाए करोगे नहीं वेद ज्ञान, क्या करें जे पूछे। कर्तत्व के अहंकार में चूर बने रहोगे, ज्ञाता देखोगे नहीं, ज्ञाता का अनुभव करोगे नहीं, और तब तक बात कुछ बनेगी नहीं। तो दौड़ करके आया, बोले भैया महाराज हम नहीं बताओ क्या कहे। हम इंद्र बन गए 2.5 लाख में। बोरे भगवान, इंद्र परिणामों से बने जाते हैं, भक्ति से सम्यक्तों से बने जाते हैं। 2.5 लाख में इंद्र बन गए तुम, और बिन्ने सोच ली हम इंद्र बन गए। बिन्ने उन्हीं कपड़न पे दुपट्टा उड़ाए दो बस धर्म हो। बिन्ने सोच ली अन्याय को पैसा, हम धर्म में लग गो। बिन्ने सोची धर्म में चाय कैसे लगे, लग तो जाए कड़ा फेरो सब शुद्ध। ये कड़ा वाला धर्म नहीं है। एक भाई बोले, हमने पूछ तो ले इनसे कहां से ले आए हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जीवन कुछ निश्चिंत है कि नहीं है। बोले क्या पूछने, धर्म में ही तो लगे रहो है। हमने बम कहूं फटे हैं भाई, स्वाध्याय भवन में तो नहीं फारो के मंदिर में लगे रहो, तभी तो झगड़ा हो रहा है मंदिर में, तभी तो सारी संस्थाओं में झगड़ा क्यों है। सीधा अन्याय का धन वहां जाकर कैसे हूं, नाम बढ़ाई नाम बढ़ाई नाम बढ़ाई नाम बढ़ाई,
हमने कहा इंद्र पैसों से नहीं बनाया था, पैसों के त्याग से बनाया था। 2.5 लाख में तो इंद्र बन गए, करोड़ों में तो बन जाइयो। जब तक भगवान जिनेन्द्र की कोई अद्भुत प्रकार की भक्ति नहीं जगेगी तुम्हारे अंदर में, वेद ज्ञान नहीं होगा, एक भवतारी नहीं होगे, तब तक कैसे इंद्र बन जाओगे? स्वधर्म इंद्र एक भवतारी होता कि नहीं होता? तुम्हें शर्म आती है? वो तांडव नृत्य करता है जन्म के समय में, तुम्हें लगा से लौटा कि 2 वचन हम कैसे बोल रहे हैं, मैंने कि कैसे साथ दो बोल रहे हैं? इंद्र क्या कहता है? भगवान स्वर्ग का पार वैभव है उसे क्या है? आप जैसा रत्न तय का वैभव तो नहीं, आनंद चतुष्टय का वैभव तो नहीं, इसलिए हम आपके सामने अपने को रंक समान समझ रहे हैं। कहां आपका प्रचुर आनंद अतीन्द्रिय सुख और कहां ये इंद्रिय सुख की सामग्री धूल जो निरंतर आत्मा को मलिन करने वाली है। सावधान रहो, कभी पर को अपना मत मानना, पर वस्त में मूर्छित न हो इसकी रहे मुझको दया। ऐसे अगर धर्म होता तो धर्म से तो सुख होता है, शांति होती है, देश में बहुत शांति होती। 500 वर्ष में जितने मंदिर और जिनमें नहीं बने उतने 50 वर्ष बने, आंकड़े इकट्ठे करो अभी। और ऐसी ऐसी तू मोबाइल पे बातें हो रही हैं, ऊपर से नीचे बोल चाल बंद है भैया भैया, और मोबाइल पे बस सुनते आ, जो जितनी जल्दी क्षमा मांग सकता वही उतना परमात्मा होता, बस खत्म मामला। और अपने आचरण से ऐसा परिचय दो कि हम जिंदगी भर क्षमा मांगने को तैयार नहीं है। ऐसी क्षमा का क्या मूल्य है जिस हमारे परिणामों में कोमलता न भर दे? अकेली क्षमा होती है, यहां क्षमा आज 10 धर्म होती है, ब्रह्मचर्य अंत तक 10 धर्म होती है। क्षमा है जिसके आज में, ब्रह्मचर्य है अंत में, बीच के कम गए, बीच के गायब, ऊपर की मंजिल और नीचे की मंजिल, और बीच की मंजिलें गायब हो गई तो ऊपर की टिकी गायब है। बचपना छोड़ो भाई, बचपना छोड़ो, ये अमूल्य समय है, दुर्लभ समय है। साधना आराधना का कहाँ गए? आई थी हर भजन को ओटन लगे कपास, सब जगह मान सम्मान है तो बस सब जगह घूमो फिरो और मान सम्मान ले, और वही चाहिए हमें, खूब मान सम्मान है सब जगह। कहूं मान सम्मान नहीं है, कोई तुम्हारो नाम लेवा पानी देवा नहीं है, कोई आत्मा कहकर के परमात्मा कहकर के पुकारने वाला है? तुम्हारा चित्त दुखित हो तो कोई 2 शब्द सुनाने वाला है? चले जाओ घरे जाओ, बेटी भी बैठे हुए हैं, ये पूछेंगे नहीं तुम्हारी तबीयत कैसी है, पैसा हो तो हमें दे दे, जायदाद हो तो हमें दे दे। तुम्हें कोई सांत्वना देने वाला है? भगवान का नाम सुनाने वाला भी है कोई? अरे एक विकल्प पूरे हो गए, दूसरे विकल्प खड़े हो गए, विकल्पों का अभाव कैसे हो इस बात को सोचो। जग कंधा को भजन, जग कंधा पे धरवे से निर्भर नहीं हो जाओ, यन से वन वन से यन, यन से वन वन से यन, का है जग फिरता लाओ, अंदर फिरता लाओ, अपने मन को मत भटकाओ। मन को भटकाने से काम नहीं चलेगा। समय से पहले और बाकी से ज्यादा संयोग सामग्री भी नहीं मिल पाएगी, कहां जाओगे? अकौआ के पेड़ पे आम कभी नहीं आते,
और आम के पेड़ पर भी आम समय पर आएंगे क्या? जब नहीं आएंगे क्या? जब सुन लिए क्या? जब नहीं सुनेंगे? भगवान की 66 दिन वाणी नहीं गिरी क्या? जब नहीं सुन लिए हम? जब मिली है तो सुन लियो। बोले चाहे जब कर ली अपने, बोले चाहे जब कर लियो तो अभी क्यों नहीं कर ली? चाहे जब में अभय का समय है कि नहीं? अच्छे कार्य के लिए, आत्महित के लिए आज से सुंदर मुहूर्त, अभी से सुंदर मुहूर्त कभी नहीं। ज्योतिष में लिखा है भैया, मुहूर्तों की कल्पना प्रमादियों के लिए है, जो काम को अच्छे काम को भी टाल दे जाते हैं। ए भैया, मुहूर्त आएगा परसों को, तो तैयारी करो जल्दी। बात बाकी अच्छे कार्य के लिए आज से और अभी से बड़ा मुहूर्त कहीं नहीं है। तब मुहूर्त देख के पैदा हुए थे? मुहूर्त देख के मरोगे? मुहूर्त देख के बीमारी होते हैं? मुहूर्त देख के ठीक करोगे? बीमार हो जा तो मुहूर्त ही मत देख लेना ना, कि कुआं में गिर गए, निकालो जल्दी, पानी भरो है। पंडित जी बोले, अरे निकाल रहे हैं ना, मुहूर्त तो देख ले। तुम मुहूर्त ही देखते रहे हो तो ना, तो वो मर जाए। उदय की चिंता मत करो, कैसा उदय है, परिणाम कहाँ जा रहे है, तेरी परिणति कहाँ जा रही है। प्रति समय वही समय उदय का है, वही समय पंद का है, मतलब सावधान भी रहने का समय है। वही पिता है, वही पुत्र है, लेकिन पिता किनका और पुत्र किनका, ये सोचो अलग है। पिता के पुत्र, पुत्र के पिता बन के ही कोशिश करना, लेकिन पिता के पुत्र बन करके और पिता के पिता बनने की कोशिश मत करना। वह रूढ़ी या कर ली अनुकूलता में, बस ठीक है। और नेक बस अपने सोच रही, हाँ है, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। अरे ऐसी ठीक नहीं होती। नेड़े में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। आत्मा आत्मा रूप में दिखाई दे, वह परमात्मा का मार्ग है, वह परमात्मा की भक्ति है। आत्मा सर्वोर से अकेला दिखाई दे, परमाणु मात्र मेरा नहीं। तीन मकान है अपने, पागल हो कब, तीन मकान है तुम्हारे, परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं है। तीन मकान में कब्रें बनाओगे? तीन तीन मकान है, चार दुकानें हैं, फलानो है, ढीको है, और वही गृहस्थ बना यहां मत छोड़ो। हम बड़े सेठ हैं, पूजा कर ले। पूजा करते समय ये सोचो, हम इनके दासान दास हैं, हम आत्मा हैं केवल, और कुछ नहीं। घर में जाकर के भी मंदिर की बातें भूलो मत ही। अरे मंदिर में आकर के भी घर की घर नहीं भूलो तो क्या करें हम? भूल जाओ, हमारा कोई परिवार है, हमारा कोई काम पड़ा हुआ है, हमारा कोई व्यापार है, हमारा कोई व्यवहार है, हमें वहां जाना, हमें वो करने, हमें ये करने, भूल तो जाओ एकदम। भूल जाते हम तो भूलैया मरा मरा कहकर के राम राम कहना सिखाया था, बोलो तो जल्दी मरा मरा। भाई मारधाड़ की भाषा सुनी थी भाई, पढ़ी थी, रोज बोलते थे वो मारा वो मारा वो मारा, कि मरा मरा बोलो तुम तो, मरा मरा राम राम। ए, ए, तीन नहीं भाई, तुम तो राम राम कहने लगे, तुम तो कह रहे थे
जो चैतन्य को नहीं समझेगा वो पर को कैसे भूलेगा, किसके बल पर भूलेगा। जब कन्या का की सगाई हुई, कन्या का विवाह हुआ और वह कन्या जब अपने घर पहुंची सब भूल गई, कहाँ के पिताजी, कहाँ के माँ, कहाँ की भाई, कहाँ की बहन, कहाँ की सखी, कहाँ की सहेली, सब व्यवहार हो गया। और जे घर हम आओ, हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, उनकी पढ़ाई मारी जाएगी, उनकी टेस्ट है, उनको फलानो है, उनको जीको है। वो लड़की मायके पर ऐसे आ रही है जैसे कि कुछ है ही नहीं है, और सच बात है कुछ है ही नहीं। नैष्किंचित परमार्थी जी वैसे होते हैं जिन्हें व्यवहार नैष्किंचित, व्यवहार में ही अटक गए, काय के परमार्थी हो। सम्यक दृष्टि जीव के, तत्वज्ञानी जीव के कैसी तरंगियां उठती हैं। अरे खारे पानी में खारी तरंगियां उठेंगी, मीठे पानी में मीठी तरंगियां उठेंगी, मिट्टी के तेल में मट्टी की तेल की तरंगियां उठेंगी, हवा में हवा की रहे। अब हवा प्रदूषित हो तरंगियां कैसी उठेंगी भाई, प्रदूषण की तरंगे हैं। ध्यान रखना, बाह्य प्रदूषण को कोसने वाले अपने मन के प्रदूषण को पहचानो। बहुत प्रदूषण है तो बहुत प्रदूषण, जहां प्रदूषण नहीं है वहां क्यों नहीं रहते। अब वहां तुम्हारे शौक पूरे नहीं होते। अरे हम तो कह रहे हैं अब तो इतनी सुविधाएं हो गई क्षेत्रों पर, और नहीं तो जब भी जिनके कारण क्षेत्र बने हैं, करोड़ मुंडराज गिरनार पर नेमना, तब तो सीढ़ी नहीं थी, और कैसे चढ़े थे और कहां बैठे जाके, और बैठ गए। तुम्हें प्यास लगेगी, नींद आएगी, डर लगेगा, ये सब परिग्रह के साथ का अज्ञानमय भाव है। न भय आया, जंगल में बाघ शेर होते हैं, बाघ होते हैं, वे तो मित्र जैसे हैं हमारे, वे कौन हमारे धर्म धन को, धर्म रूपी धन को नाश करने वाले हैं। अरे कोई बैर भाव होगा, पूर्व का बंधा होगा तो शरीर का नाश करेंगे, याद याद सुशरीर हम हैं नहीं, क्या नुकसान पड़ गया, शरीर का नाश हो गया और वे मोक्ष में विराजमान हो गए, निर्वाण हो गया, क्या हुआ। अरे छिलका तोड़ने से बादाम खाने लायक होता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, घटती नहीं है, क्यों परेशान हो रहा है छिलका होते हुए। छिलका छूटने से क्या हो, ए सुनार तू हमें तपाता है, हमें कोई नुकसान नहीं, धूरा तेरे माथे आती है राख, उड़कर फूक फूक नहीं फूक तो राख तो तेरे माथे है, हमारा तो रूप निरखरा है, किटकाने वहां जल रही है और हमारा रूप निरखरा है, ओ ऐसे प्रकट हो रहा है। जी 50,000 तोले खान से थोड़ी निकलो है, जो चमचमाते हुए शोरूम में सजा हुआ है, मैं राजाओं के मुकुटों पर लगा हुआ है, वो खान में से नहीं निकलो है, खान में तो ऐसे निकलो जैसे मटी है तू। ये सोलह ताव लगे हैं तब ये रूप प्रकट हुआ है, सोलह कारण भावना भावोगे तब ये आत्मा का परमात्मा रूप प्रकट होगा, वैराग्य भावना बिना क्या होगा।
ऊपर ऊपर के वाचन श्रवण से कोई कार्य सिद्धि नहीं। इतना ही मत समझ लेना, वो तो वाचन श्रवण के संबंध में लिखा है, ऊपर ऊपर तो हम सब कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एक बार क्या हुआ अपनी बताएं। बाबा जी बैठे थे और बैठे रह गए ऐसे। हाँ अमनी आए वो समय ऐसे बैठे और आप क्या समझ रहे हो, दो दिन तीन दिन बैठे ही रहे और फिर बीच बीच में एक आध बोले अब टाइम नहीं है, नहीं तो छूट जाती अच्छी थी शरीर। तो ऊपर ऊपर से तो हम करते रहे और भीतर जाकर देखा था अरे अब क्या करेंगे। ऊपरी बातें अलग हैं, भीतरी बातें अलग हैं। ऊपर से बैरागी का वेश बनाना बहुत सरल लगता है लेकिन अंतर में बैराग का जगना बहुत कठिन लगता है। बहुत पुरुषार्थ चाहिए देह और आत्मा को भेद ज्ञान करने में, ममता छोड़ने में। ताते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाए, मोही बांधे कर्म को निर्मोही छुट जाए। ताते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाए। जी का है, हम जी पूछ रहे हैं भरत चक्रवर्ती ने क्यों भैया सोचो, वो हमें काम लगो। एक बात बताओ, भरत चक्रवर्ती ने कहा कैसे कहा होगा, कितने विश्वास है कि अभी तो हम आत्मध्यान करेंगे और यहां से उठेंगे एक तीर छोड़ेंगे तो मगदा मर तो ऐसे ही आ जाओ, और नहीं आओ तो कितना अंदर में मनोबल होगा, कितना आत्मबल प्रकट हुआ होगा। कुछ कहा नहीं और सब कुछ कह दिया और सवेरे जब देखने आए तो कंचन वर्णी काया ये ऐसे बैठे कौन कोड़ को नाम नहीं है। अरे जब दुर्भाव का नाम नहीं है तो ये दुर्दशा का नाम कहां से रहेगा। सवेरे संध्या कैसी थी बाजरंग मुंडाज, वो सवेरे कैसी है वो जटायु बच्ची, जब तक वो मुंडराज के चरणों में नहीं गिरा तब तक कैसा था और चरणों में गिरा तो कैसा हो गया। आपने सुना होगा आप, अरे शरीर स्वर्णमयी हो गया, जटायु जटाएं उसकी दिखने लगी, शरीर स्वर्णमयी हो गया। ये तो तुम्हें चमत्कार दिखता है लेकिन परिणाम समतामयी हो गए, ये परिणाम चमत्कार नहीं दिखता। मनुष्यों से भक्ति करने लायक हो गया वो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, मोक्ष मार्गी हो गया। परिणाम समतामयी हो गई, देखो कैसे हो गए चिद्रूप के स्मरण से। उस शुद्ध चिद्रूप के स्मरण से परिणाम समतामयी होते ही होते हैं। परिणाम के सुधारने का यही उपाय है, और कोई उपाय न है। नखल अन्यथा साध्य सिद्धि, और कोई उपाय नहीं है और किसी उपाय की हमें जरूरत भी नहीं। एक रास्ता है और शॉर्ट है और बढ़िया है तो दूसरी रास्ता की क्या जरूरत है, हमें घूमे और कोई रास्ता नहीं है का हम पागल है। सीधा रास्ता और पक्का रास्ता अच्छा पड़ा हुआ है, निष्कंटक मोक्ष मार्ग है। आत्मा मुक्त रूप अनुभूति निष्कंटक है और मैं शरीर हूं ये विष्कंटक है।
मैं करता हूं ये विष्कंटक है, मैं ज्ञाता स्वरूप हूं ये निष्कंटक है। ज्ञाता स्वरूप नहीं, ज्ञाता स्वरूप की अनुभूति। विचारना बासी मत खाते रहो, बासी परांठे खा लेते, बासी पूरी खा लेनी, अरे ताजी रोटी बढ़िया के बासी परांठे बढ़िया, बासी अच्छे लगते हैं। अरे जब बासी अच्छे ही लगते हैं, बाकी क्या कह सकता हूं, रोटी तैयार है और बासी खा रहे। स्वानुभव करना बताजी भोजन है, आनंद का वेदन करना और कर्म के उदय का वेदन करना बासी खाना है। बहू ने कैसे कहा था सेठ से, बासी खाओ या तो यहां तो। ए बेटा जे कैसे क्या कह रही है, कह पिताजी हम तो ज्यादा दिन से आए तक तो हमने ये ही देखो है, जो कमाओ जोड़ो धरो, कमाओ जोड़ो धरो, दान पुण्य की तो कोई व्यवस्था नहीं। हम कह रहे उस दिन एक बुजुर्ग थे, अभी भी हैं, बोले ऐसा तो समय आएगा घर में से दो दाने नहीं निकलते, जिस घर में पात्र दान नहीं होता वहां भूत व्यंतर नहीं होंगे तो क्या होएगो। जागर मेरा नाम नहीं है उसका डूटो खाओ। जहां पात्र दान नहीं है, करुणा दान नहीं है, हम जी कह रहे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, अब क्या कहें हम। अगर साल भर चंदा को ना करो जाए तो कोई धर्म के नाम पर देने की जरूरत ही नहीं, अपनी सोच ही खो गई, का चाहिए तो मांग लियो। तुम्हें चाहिए कि तुम्हें चाहिए, हमारी सोच खो गई। हम कह रहे याद आ जाती कभी कभी, ये कमरा में बाई रहती नहीं, मंदिर के कहूं खेती नहीं होती है, चार आदमी बैठे और वे पूछे काय कब आओ कब रहो, तो हमने मीटिंग हो रही चौकी बनने मंदिर के लिए, एक हमारी बना रही कितने की बन रही बताओ, मारा भेज भेज के पाई का करेंगे ये खजाने भर भर के। और माला फेर फेर के पैसा इकट्ठे करते रहे, फिर एक चौकी हमारी बनवा दे, एक बेंच हमारी बनवा दे। ओहे भगवान, अरे हमारा 10 करोड़ का लाभ हो जाए, कंपनी में का लाभ हमें का हो, हमारे शेयर ही नहीं है। सोनो 1 लाख रुपया हो, हम पे है ही नहीं तो हम क्या करेंगे। अरे जिन पर 4 करोड़ किलो 2 किलो धरो हो तो बढ़िया, इतने पैसा बढ़ गए और इतने घट गए, 20,000 रहे वो घट गए। अरे ये तो ठीक है, हम भाव क्या घट गए क्या बढ़ गए, कच ये भाषा समझ में नहीं आती। लक्ष्मी घटी अधिकार भी पर घर के आ क्या बोली, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोली, का बढ़ गो का घट गो, उस चैतन्य स्वरूप के सामने देखो और फिर उत्तर देओ क्या घट गया क्या बढ़ गया। उसमें एक भी गुण कभी घटता नहीं है और एक भी परमाणु बढ़ता नहीं, जैसा कहते था। अरे क्या कहें हम, जो इस मार्ग की अनुमोदना भी कर लेते हैं, मैं लोकांतिक हैं, एक भाव के बाद मुक्त जाएंगे, अनुमोदना तो कर लो कम से कम, काय की सोने चांदी की नहीं, भीड़ भाड़ की नहीं, अनुमोदना करो, देखो आहा क्या बीतरागता है,
कैसी वितरागता है, कैसा स्वरूप है, धन्य दशा, धन्य स्वरूप। एकाध दफे अनुमोदना तो कर ले, बस बैठे अपने ही देखते हो। हम अच्छो गाय लेते हैं, हम अच्छो ध्याय लेते हैं, देखो ना। अरे धन तो ये हैं जिन्हें ना कोई हर्ष है ना कोई विषाद है, समता समता सब में समता, रमता निज में करता अपनो काया, यही वितरागता प्रकट करने योग्य उपाधि है। और वह वितरागता शुद्ध चिद्रूप के आश्रय से प्रकट होती है, फिर तुम्हें परमाणु मात्र भी राग उत्पन्न नहीं करेगा। सकल किसी बच्ची हो सामने खड़े हो जाओ, राग नहीं आएगा। अरे वो लड़का गोद में डाल दिया और तुम ही पालो जे कह दी माता ने, और तो भी मुनराज को राग नहीं आया। चिंता नहीं भाई, अब ये अभ्यार रोए को दूध चाहिए अकेले, पाले को कैसे पाले को। अरे जब इसकी आयु काल है तो इसका पालने वाला भी कोई है, और आ रहा था वही राजा, आ रहा था वही रानी आ रही थी जिसके पुत्र नहीं था, और वो उसने युवराज बना दिया मिट्टी का तिलक करके। सम्मान नहीं, कैसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हम कह रहे सोचेंगे 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 यही कत रहे हो। भीष्म पितामह गए उन्हें मालूम पड़ी, उस भीमर से बोले क्यों अपनी कन्या का विवाह करते हो कि नहीं अपने हमारे पिताजी से। बोले महाराज जिनके आप जैसे बलवान पुत्र हैं हम अपनी लड़की को विवाह कर दें, कल को लड़की के लड़का को पूछे वो। बोले हम अपना अधिकार छोड़ रहे। महाराज आप तो अधिकार छोड़ रहे हो, आपके लड़का वाले भाई से अपराध कैसे छोड़ेंगे अधिकार। ऐसे हाथ उठा ले और सारे नगर गगन में स्थित नक्षत्रों सुनो, भीष्म पितामह आज से ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी। पिता के लिए इतना त्याग करने वाला पुत्र हो सकता है, तुम क्या छोड़ दिया। हमारी पूजा को टाइम है, हमारे स्वाध्याय को टाइम है, हम पढ़ रहे थे, हम लिख रहे थे, खा कर रहे थे। ये पढ़ना लिखना काय के लिए है, काय के लिए। एक साधक की समाधि कराना समाधि मंदिर बनाने के समान है, शिखरबंद मंदिर बनाने। हम जे कर रहे थे हम बकर रहे थे, हम आए नहीं पाए, बस एक तो ही कहने बस कदम हम रहे। अब तुम जानो तुम अब काम जाने। ये प्रमादी प्रवृत्ति छोड़ो भाई, यह प्रमाद अपने स्वरूप में नहीं है, स्वरूप नहीं है अपना। स्वरूप की आराधना करोगे तो प्रमाद अपने आप छूट जाएगा, कथाएं छूट जाएंगी। अरे अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा, उस चिद्रूप का स्मरण करने से छूटने योग्य सब ही छूट जाएगा। तुम वैसे ही नहीं छूट रहा, वो हमारी कथाएं नहीं छूट रहे, हमारी कथाएं नहीं छूट रहे। अरे कथा तुम छोड़े तो नहीं हो क्या, कथा तुम्हारा स्वभाव है जो नहीं छूटेगी, वो नहीं छूटत और ऊपर को दागे। अरे छुटाना नहीं जान हम जैसे लोग, बारिश का दाग कोई साबुन लगाए लगाए ऐसे छुटाओ जाए पानी से। अरे तेल लगाओ हम ऐसे छूटेगो देव, उसका जो गलनशील कौन सा घोल है वहां डालो उसमें। हम दोपहर को तुम्हारी बोझ मारे का देख रहे थे वैदिक की दाग छुटाने का तरीका। हमने कहा कि बाकी दाग बाद से छूटेंगे, बाकी दाग बाद छूटेंगे, हमने आत्मा को दाग कैसे छूटे वो।
यही पता नहीं। अरे आत्मा में दाग होता ही नहीं जो छूटना हो, वहां दाग आते हैं जहां आत्मा को भूला जाता है, वहीं सारे उपद्रव होते हैं। जहां अंधेरा होता है, जहां उजेला होता है, वहां उपद्रव नहीं होते। तो ज्ञान का प्रकाश होगा, उपद्रव ये कैसे हो जाएंगे, विभाव कैसे आएंगे, वो आ जाती है। इसका मतलब वो चलाता है। दो ही काम नहीं हो सकते, हम आत्मा हैं ये भी अनुभूति बनी रहे और अंधेरा भी हो जाए, व्यवहारिक भाव भी हो जाए। जैसे रवि मंडल के महिमय मंडल में अतप अटल तम पटल विलात है, तैसे परमात्मा को अनुभव रहत जालो तो लो कहूं दुविधा न कहूं पक्षपात है। साधारण बातें नहीं है, नकल उतार नहीं गई कहूं से, कैसे लिखी होंगी, कैसे सहजपने लिख गई होंगी। दूसरा उत्तर ही मत सोचना, बड़ी मेहनत से लिखी है उनने, सोच के लिखी है, ये मत सोचना। सहज पने प्रवाह में दिख गई, अंदर में चैतन्य की अनुभूति का प्रवाह वर्त रहा है, भक्ति के प्रवाह वर्त रहा है और लिखती जा रही है। ऐसे ही रचना हो गई, घंटे डेढ़ घंटे में रचना हुई है। पढ़ी है तुमने आत्मप्रसिद्धि, कितनी देर में लिखी गई थी आत्मसिद्धि, फिर अब लिखा दे गए। अरे एक अभ्यासी अभ्यास होता है तो काम इतना जल्दी सरल है, 10 आदमियों का भोजन हाल बन गया, और नहीं तो अकेले के सोचने पड़ रही है कि क्या करें, अब क्या करें, अब जब हम कितो पानी डालें, कितना नमक डालें, और बन आई हट जाए फटाफट डाल उनको बंद कर दे, खत्म हो गया और बन के तैयार बैठ गया। ये अभ्यास का खेल है कि नहीं, और कुछ है? तो भेद ज्ञान का अभ्यास होगा तो ये वैराग्य नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। भेद ज्ञान का अभ्यास होगा तो वैराग्य होगा ही, और वैराग्य होगा तो उसका व्यवहार भी होगा। नहीं होगा ये नहीं है, अगर नहीं हो तो मध्य व्यवहार ही नहीं लिखा जा रहा। परमार्थ अंदर में आया, व्यवहार शुरू हो गया, और परमार्थ पूर्ण हुआ, व्यवहार पूर्ण हो गया, खत्म हो गया। विचारना हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा जीत मुझो।